खुरबाला का नाम इसके जरूरत से ज्यादा बड़े हुए खुर के वजह से हमने इसको दिया था। अब बहुत से लोगों को ये लगेगा कि खुर या हूफ के बढ़ जाने के रेस्क्यू वीडियो और रेस्क्यू क्यों? इसमें इतनी भी क्या मुश्किल है? तो आप सबके साथ एक जानकारी साझा करना चाहेंगे कि खुर का बढ़ जाना इन चौपाई जानवरों के लिए कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, जैसे हमारे लिए नेल्स और हेयर की ग्रोथ होती है। बजाय कि इसके एकदम अपोजिट, इस तरह खुर बढ़ जाने पर जानवरों को चलने में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती ही है, साथ ही साथ ठोकर या चोट लग जाने पर खुर में पस बन जाना, कीड़े या मैगट पड़ जाने जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। कई गौ और भैंस पालक इस तरह की कंडीशन और जानवरों के प्रति सतर्क हैं और वह इसका समय समय पर इलाज कराते हैं, पर कईयों के लिए सिर्फ दूध और पैसा बनाना ही मेन फोकस है। जानवरों के दुख दर्द पीड़ा से उनको कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, और इन सब के बीच सिर्फ पिसता है तो जानवर। मेरी नजर से तू